महात्मा गांधी जी को षड्यंत्रकारी कहेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर महात्मा गांधी जी को आंदोलन जीवियों से जोड़ देना, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर ये कहा था, इट इज अनपार्लियामेंट्री, आई चेक द रिकॉर्ड एंड इट विल बी करेक्ट। जीवियों में क्या अंतर है? और अगर प्लीज गो टू योर सीट, महात्मा गांधी जी को उनसे जोड़ दिया जाए आई जो इतना बड़ा, प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो टू योर सीट। इफ एनीथिंग इज अनपार्लियामेंट्री आई विल लुक इनटू इट। प्लीज गो टू योर सीट। सर देखिए, जो कल से, प्लीज गो टू योर सीट। देखिए सर, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। इस बजट में सर, ये बजट जो है एक आशा है, इस बजट में आशा की किरण दिखती है। प्लीज गो टू योर सीट। आशा है नए भारत के निर्माण की, आशा है आत्मनिर्भर भारत की। प्लीज गो टू योर सीट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को। आई हैव सेड इफ एवरीथिंग इज अनपार्लियामेंट्री इट विल बी लुक्ड इनटू। देश ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, समाज के सभी वर्गों ने सर इस बजट की प्रशंसा की है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस बजट के बाद सर जिस तरह से मार्केट ने भी रिएक्ट किया है, एक दिन नहीं दो दिन नहीं सर, लगातार मार्केट में पॉजिटिव रिस्पांस आया और 51,000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स में उछाल आया। ये भी अपने आप में दिखाता है कि पूरे देश और दुनिया में जिस तरह से इस बजट की प्रशंसा की गई है, ये मोदी जी की वो सोच है कि भारत को सशक्त भारत भी बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम भी इस बजट के माध्यम से करना है सर ये बजट। और इसलिए खुशी की बात यह है सर कि जब विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि पहली बार 70 वर्षों में इतना पारदर्शी बजट आया है, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर हमने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की बात अगर की जाए, सर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जीरो है। इतनी पारदर्शिता सर इसमें लाई गई, और सर बजट भी डिजिटल बजट रखा गया है। सर डिजिटल बजट लाए और वो भी मेक इन इंडिया टेबलेट पर इसको किया गया। सर वही भारत जहां केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, आज मोदी जी की नीतियों के कारण आज दुनिया के सबसे बड़े 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग निर्माताओं में हमारा हिंदुस्तान आया है। सर ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भारत की उपलब्धि है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धि। सर यहाँ पर कुछ विपक्ष के सांसदों ने कहा ये आम बजट नहीं, ये खास बजट है। सर मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नारा लगाते थे आप, यू गो टू योर सीट, गो टू योर सीट, ये लोग जो नारा लगाते थे, ये जो कहते थे कि गरीबी मिटाएंगे, इनके समय सर गरीबी नहीं मिटी, गरीब मिटने पर मजबूर हो गया था। लेकिन सर पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों के कारण ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से। I have allowed Mr. K.C. Venugopal, he has already spoken, so you can go to your seat. सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। यही नहीं सर, हमारी महिला विकास मंत्री जी यहाँ पर बैठी है, स्मृति ईरानी जी, मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं और बाल विकास के लिए भी हमारी सरकार ने 16% महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए है। यही नहीं सर, समाज का वो वर्ग सर, SC वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग सर, इसके मंत्रालयों में कुल मिलाकर सर 51.65% की वृद्धि की गई है। 51.65% मिस्टर नजीर हुसैन, जस्ट 1 मिनट मिनिस्टर, जस्ट 1 मिनट। यही नहीं सर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक योर नेम,
But you cannot challenge the chair. You are a new member. Learn something. Learn something, then you say. Please go to your seat now. You go to your seat now. You heard him. Did he take your words? Did he take your words, sir? Sir, Mananiya, you cannot challenge the chair, Mr. Nazir Hussain. Go and learn something from your senior member. Please go to your seat. जो आम बजट और खास बजट की बात करते थे, आम बजट यही होता है कि महिलाओं और बाल विकास के लिए 16% ज्यादा दिया हमने, अनुसूचित जाति के लिए 51.65% की बजट की वृद्धि की है सर, और यही नहीं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्रालय में 28% की वृद्धि की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है सर, सामाजिक न्याय अधिकारिता के लिए भी 28% की वृद्धि की सर। सर यही नहीं, मैं आपके सामने कुछ बातें और रखना चाहता हूं सर। क्या होता है सर, आम वो गरीब जिसको आप कहते थे गरीबी हटाओ, ना आप उसको पक्का मकान दे पाए, ना बिजली गांव गांव तक पहुंचा पाए, देश के हर गांव और हर परिवार को बिजली देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है सर, हर परिवार को सर 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा सर, जब तक मेरा पूरा ना हो तब तक आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए सर। सर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, आई लव टू टेक द सेंस ऑफ द हाउस इन दैट केस, जी सर, सो प्लीज प्लीज ट्राई टू कंक्लूड बिफोर सर। आई एम ट्राइंग टू सर, आई एम नॉट प्लीज प्लीज यू कैरी ऑन द स्कीम सर। सर यही नहीं सर, बिफोर 3 o'clock सर, यही नहीं, आप देखिए हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को शौचालय बनाने का काम, गांव-गांव में बिजली, हर घर को बिजली देने का काम, चार चार एलईडी बल्ब देने का काम, पक्का मकान देने का काम, बैंक खाते खोलने का काम, बैंक खातों में पैसे डालने का काम, और यही नहीं अब हर घर को नल। प्लीज सिट डाउन, प्लीज